हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर फ्री। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री में वेबसाइट कैसे बनाते वो मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आप बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग, फैशन, फूड ब्लॉगर, फिटनेस, कोई भी टाइप के वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। यहाँ पर आपको नो डोमेन, नो होस्टिंग, कोई भी चीज की जरूरत नहीं। सिंपल सा आपको ये वीडियो को देखना है और आपका वेबसाइट आप कुछ ही मिनट में बना दोगे। तो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, माय नेम इज भावेश परमार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, और हमारे चैनल पर न हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे और मोटिवेट होता है आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियोस को बनाने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करना, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको renderforest.com, जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाकर सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करना होगा हमें। तो ये वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप यूट्यूब इंट्रो बना सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो मेकर्स, वेबसाइट डिजाइन और बाद में वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। कितना सारा एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। ये एक ऐसा पूरा ऑलराउंडर वेबसाइट है। अभी यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हो मेक अ लोगो, तो आप लोगो कैसे डिजाइन कर सकते हो वो यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को क्रिएट, जैसे कि यूट्यूब इंट्रो हो गया या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको वीडियोस को क्रिएट करना है तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद वेबसाइट बिल्ड, जो कि अभी हम यूज करने वाले इस वीडियो में, और उसके बाद ग्राफिक डिजाइन, तो आप ग्राफिक्स को कैसे डिजाइन कर सकते हो वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। नीचे स्वाइप करने के बाद और यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर टेम्पलेट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको उसका प्रो वर्जन भी आता है, फ्री वर्जन भी आता है, बट हम यहाँ पर फ्री वर्जन यूज करने वाले। तो यहाँ पर और डिटेल में जानना है तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट आप देख सकते हो ये वेबसाइट पर आकर। तो हम यहाँ पर फटाफट जाते हैं और बिल्ड वेबसाइट पर सबसे पहले क्लिक करना होगा आपको। अगर आप ये वेबसाइट का प्रीमियम वर्जन लेते हो तो यहाँ पर आप गूगल एडसेंस को भी अपने वेबसाइट पर अटैच कर सकते हो, और गूगल एडसेंस के थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन लेना होगा। तो आप सोचकर आप काम करना। अगर आपको फ्री में सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। अगर आपको गूगल एडसेंस से भी अर्निंग करना चाहते हो तो आप इसका प्रो वर्जन आप बाय करना होगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट क्रिएटिंग, उससे पहले हम यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है, तभी जाकर हम यहाँ पर वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। साइन इन पर सबसे पहले आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको डोंट हैव एन अकाउंट, तो साइन अप पर सबसे पहले आप क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर आपका नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लीजिए। अभी आपको एक जीमेल पर वेरिफिकेशन कोड आया होगा तो उसको सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। तो वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कर दीजिए। तो ओके, यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन इन कर लीजिए आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर। साइन इन हो जाने के बाद आपको बिल्ड वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट क्रिएटिंग का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट योर ड्रीम वेबसाइट क्रिएशन। तो अगर आपको स्क्रैच से क्रिएट करना है, मतलब मैन्युअली, आपको पूरा ब्लैंक मिलेगा, आपको सब कुछ स्टेप टू स्टेप क्रिएट करना होगा, बट हम उसे नहीं सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट विद टेम्पलेट को चूज करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कितने सारे वेरियस टेम्पलेट्स मिल जाएंगे उसे आप यूज कर सकते हो टेम्पलेट्स को। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे टेम्पलेट्स है, बिजनेस, लाइफस्टाइल, पर्सनल, इवेंट, नॉन प्रॉफिट, आर्ट, तो ये सभी कैटेगरीज है। तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें जिस हिसाब से आप एक वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो। अभी गाइस, यहाँ पर आपको कितने सारे यहाँ पर वेबसाइट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जो टेम्पलेट्स आपको यूज करना है वो यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आपका वेबसाइट प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से रिलेटेड है, बिजनेस कोई भी कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी हो गया, फिर बाद में डीलरशिप हो गया, उसके बाद ज्वेलरी स्टोर, डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज, और कितने सारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करवाने के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हो, उसके बाद कितने सारे, अगर आप नीचे स्वाइप करते जाओगे और यहाँ पर लोड होते जाएंगे सभी टेम्पलेट्स को, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो या फिर आप खुद का म्यूजिक वीडियोस के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टेम्पलेट को चूज करके आपको बताऊंगा कैसे आप वो टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप उसे एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वीडियो गेम्स टेम्पलेट भी मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी टेम्पलेट का प्रीव्यू देखना है तो उस पर होवर करके यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए और कोई भी टेम्पलेट का प्रीव्यू आप डेस्कटॉप मोड, टैबलेट मोड और मोबाइल मोड में देख सकते हो। तो ये है गेमिंग का प्रीव्यू, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कैसा यहाँ पर ये गेम्स का टेम्पलेट क्रिएट किया गया है। तो आप देख सकते हो तो कितना एक प्रोफेशनली डिजाइन किया है यहाँ पर ये टेम्पलेट, एक पूरा कम्प्लीट आप यूज कर सकते हो अगर आप गेमिंग जैसा वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर दूसरा टेम्पलेट देख लेते हैं और उसको अप्लाई करके भी देखेंगे कि उसे कैसे एडिट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ फिटनेस सेंटर। ओके, तो मैं इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ सबसे पहले।
एंड एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कैसे दिख रहा है। ओके गाइस, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है, लोग ने ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। अगर फिटनेस से रिलेटेड आपको वेबसाइट बनाना है तो ये सबसे बेस्ट टेम्पलेट आप लोगों के लिए होने वाला है। यहाँ पर आप मेंबरशिप भी यहाँ पर अलाउ कर सकते हो, मंथली मेंबरशिप, एनुअल मेंबरशिप को। तो ये वाला टेम्पलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा इसे अप्लाई पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पूरा जितना भी टेम्पलेट में क्रिएट किया गया है वो सब कुछ हमारा वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा, और बाद में हम इस पर चेंजेस जो करना चाहते हैं उसे बाद में चेंजेस कर सकते हैं। सो गाइस, अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह के पेज पर आ जाओगे, और आप यहाँ पर आपके टेम्पलेट को देख सकते हो। यहाँ से आप जैसे चाहे वैसे एडिट कर सकते हो, जो चीज आपको रिमूव करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहला देख लेते हैं पेजेस। तो यहाँ पर पेजेस का देख सकते हो, होम, हमने यहाँ पर ये होम पेज में अभी है हम लोग। उसके बाद प्राइसिंग पेज और रजिस्टर पेज। अगर आपको और ऐड करना है पेज को तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो पेजेस को। तो आपने पेजेस का देख लिया, तो आपको जितने भी पेजेस क्रिएट करना है वो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आता है लोगो। तो अगर आपको यहाँ पर खुद का लोगो डालना है तो यहाँ से आप खुद का लोगो इमेज आइकॉन होगा वहां पर आपको क्लिक करके अपलोड कर सकते हो लोगो यहाँ से, या फिर आप लोगो जो इमेज का यूआरएल होगा उसे यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपको मेन्यूज पर कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पर आपको जितने भी मेन्यूज क्रिएट किए गए उसे अगर आपको चेंजेस करना है, तो मेन्यूज पर अगर आप होवर करोगे तो यहाँ पर आपको टॉप पर यूआरएल आइकॉन दिखेगा और डिलीट का आइकॉन दिखेगा। तो आपको यूआरएल आइकॉन पर क्लिक करना है, तो मैं एक्टिविटीज पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको जो चेंज करना है, नेम चेंज करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिविटीज के नीचे सिलेक्ट द क्लिक एक्शन। अभी स्क्रोल टू कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर मैंने दिया गया है कि अगर कोई भी एक्टिविटीज पर क्लिक करता है तो कौन से कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है होम पेज पर। अगर आपने एक्टिविटीज का पेज क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नई क्रिएट किया इसलिए मैंने होम पेज पर ही रखा हो। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस डालना चाहते हो, मतलब आउटसाइड लिंक डालना चाहते हो, तो उसके बदले ओपन अ वेब एड्रेस पर अगर आप सिलेक्ट रखोगे तो उसका लिंक यहाँ पर आप डाल सकते हो यूआरएल को। तो मैंने मेरा वेबसाइट का नाम डाल दिया और सेव पर क्लिक किया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से आपको प्राइसिंग, टीम्स, कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको जो चेंज करना है कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर आप पेजेस पर जाकर क्रिएट कर सकते हो कॉन्टैक्ट पेज का। अब यहाँ पर ये हीरो सेक्शन हो गया, तो यहाँ पर आपको जो चेंज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल फिटनेस सेंटर, अगर आपको ये नेम चेंज करना है तो यहाँ से आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हो, आपका नेम डाल सकते हो, या फिर आपका जो भी कंपनी हो गया, आपका खुद का फिटनेस का अगर आप क्लब चलाते हो तो वो सब कुछ यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो अभी मैं कुछ नहीं डालना चाहता। उसके बाद बिल्ड योर बॉडी, तो यहाँ पर भी आपको जो टेक्स्ट को चेंज करना है, कैप्शन को चेंज करना है, उसको यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद आपका जो सोशल आइकॉन्स हो गया उसे यहाँ पर आपको डालना है, तो यहाँ पर आपको डालना होगा पेंसिल आइकॉन पर। अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप आइकॉन्स को एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आइकॉन को अगर आपको डालना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस आइकॉन पर ऐड कर सकते हो आइकॉन्स को। अगर आप यहाँ पर यूआरएल पर क्लिक करोगे, यूआरएल आइकॉन पर, तो यहाँ से आप उस आइकॉन का यूआरएल दे सकते हो, आपका सोशल मीडिया लिंक दे सकते हो। तो ये चीज मैंने आइकॉन के बारे में बता दिया हूँ। अभी यहाँ पर मैं बटन्स के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐड करना होगा बटन्स। तो ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आप पेंसिल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए, तो एक बटन क्रिएट हो जाएगा। गेट स्टार्टेड के बदले आपका सब्सक्राइब नाउ लिख सकते हो। सब्सक्राइब नाउ लिखने के बाद आप क्लिक द लिंक एक्शन, मतलब वो क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो। अगर वो एक्टिविटीज पर क्लिक करता है तो यहाँ पर ओपन अ वेब एड्रेस, मतलब हमें यहाँ पर एड्रेस दिखाना है। तो यहाँ पर जो ये यूआरएल है उसको यहाँ पर से आप डालकर खुद का दूसरा एड्रेस डाल सकते हो। जैसे कि मेरे चैनल का नेम, या अगर मुझे यहाँ पर मेरे वेबसाइट पर डालना है तो मैं मेरा वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल को कॉपी कर लूंगा और वहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा। बिल्कुल इस तरह से मैं वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया और सेव पर क्लिक कर दीजिए। आप चाहे तो दूसरा भी यहाँ पर बटन को ऐड करवा सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिविटीज के नीचे सिलेक्ट द एक्शन, सिलेक्ट द क्लिक एक्शन। अभी स्क्रोल टू कंपोनेंट, मतलब यहाँ पर मैंने दिया गया है कि अगर कोई भी एक्टिविटीज पर क्लिक करता है तो कौन से कंपोनेंट पर रिडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है होम पेज पर। अगर आपने एक्टिविटीज का पेज क्रिएट किया है तो यहाँ पर आप एक्टिविटीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने नई क्रिएट किया इसलिए मैंने होम पेज पर ही रखा हो। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस डालना चाहते हो, मतलब आउटसाइड लिंक डालना चाहते हो, तो उसके बदले ओपन अ वेब एड्रेस पर अगर आप सिलेक्ट रखोगे तो उसका लिंक यहाँ पर आप डाल सकते हो यूआरएल को। तो मैंने मेरा वेबसाइट का नाम डाल दिया और सेव पर क्लिक किया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज हो गया। अभी यहाँ पर ये आता है स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। अभी ये चीज एक दिया गया है, एक अच्छे से डिजाइन किया गया है। अगर आपको यहाँ पर वीडियो को ऐड करना है तो ऐड वीडियो पर क्लिक करके यहाँ पर आप वीडियोस को ऐड कर सकते हो। तो ये वीडियो के बदले आप खुद का वीडियो को यहाँ पर डाल सकते हो। तो वीडियो पर क्लिक कर लीजिए।
आप वीडियो यूआरएल डाल सकते हो या फिर आप खुद का क्रिएट वीडियो कर सकते हो। तो वीडियो यूआरएल आपका यूट्यूब का वीडियो भी डाल सकते हो। ये चीज होने के बाद अभी नीचे देख सकते हो इंडिविजुअल एंड ग्रुप क्लासेस, तो यहाँ पर ये सभी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हो। सेम एज इट इज आपको जो चेंज करना है यहाँ पर से आप कर सकते हो। ब्लॉग्स को ऐड करना चाहते हो तो ऐड ब्लॉग पर क्लिक करके जो ब्लॉग्स को एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो ब्लॉग्स को ऐड। अगर आपका फिटनेस से रिलेटेड कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जरूरत होगी तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। आपके खुद के फोटोज हो गया, इमेज हो गया, उसका एक खुद का गैलरी बना सकते हो पेजेस पर जाकर, और मेक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पर आपको लिंक को ऐड करना है तो ऐड लिंक पर क्लिक कर लीजिए। लर्न मोर पर आपका खुद का यूआरएल डाल सकते हो, मतलब आपने खुद का एक अबाउट सेक्शन बनाया होगा तो वहां पर आपका खुद का पूरा डिटेल डाल दीजिए कि आप क्या क्या करते हो, आपका क्या क्या रूटीन है, वो यहाँ पर आप बता सकते हो। आपका खुद का यूआरएल यहाँ पर प्रोवाइड कर लीजिए। तो ये चीज हो गया। तो अभी नीचे स्वाइप करने के बाद आपके बारे में बताइए कि आप कौन हो और आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में पूरा डिटेल में बता सकते हो यहाँ से। और नीचे भी आपको ऐड लिंक का ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो जो भी चीज, उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद कितने मेंबर्स ने ज्वाइन किया, कितने ट्रेनर है, एक्सपीरियंस कितना साल का है आपके पास, और कितना अवार्ड्स मिला है, वो यहाँ पर आप बता सकते हो। ऐड करना चाहते हो आइटम्स को तो ऐड भी कर सकते हो आइटम्स को। तो यहाँ पर आपको अगर मेंबरशिप डालना चाहते हो, खुद का मेंबरशिप मतलब प्राइसिंग आप देना चाहते हो कि इतने प्राइस में आप ये सभी फैसिलिटीज मिलने वाले, ऐड करना चाहते हो और एक्स्ट्रा फीचर्स, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। अभी ये चीज मैं आपको बता दिया हूँ सब कुछ कंप्लीट डिटेल में क्या क्या आपको करना है। अगर आपको नीचे इमेजेस आपका डालना है खुद का तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट फिटनेस वेबसाइट आपका बन जाएगा अगर आप मेरे जो चीज बताया गया हूँ वो सब कुछ चीज को अगर फॉलो करोगे तो। अभी यहाँ पर आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। रिप्लेस करना चाहते हो जो भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है टेक्स्ट, कलर्स, टाइल्स, उसके बाद इनवाइट, विजिट, सेटिंग्स, अभी यहाँ पर आपको टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो एक्स्ट्रा टेक्स्ट को, तो आप टेक्स्ट पर जाकर जो भी टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। कलर्स डालना चाहते हो तो कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अभी आपको पता चल गया रहेगा कैसे आपको वेबसाइट को एडिट करना है। अगर आप इसे पब्लिश करना चाहते हो, पूरा लाइव करना चाहते हो डोमेन को, तो उसके लिए आपको पब्लिश पर क्लिक करना होगा। तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये उनका सब डोमेन होगा रेंडर फॉरेस्ट का, तो आपको सब डोमेन मिलेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो योर वेबसाइट विल बी पब्लिश्ड विद अ फ्री सब डोमेन, तो आपको खुद का सब डोमेन नेम डालना होगा। अभी मेरा वेबसाइट है फिटनेस से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर कुछ डाल सकते हो फिटनेस योगा, तो अभी मैंने फिटनेस योगा डाल दिया हूँ और पब्लिश पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा अवेलेबल होना चाहिए तभी जाकर ये मुझे मिलेगा फिटनेस योगा वाला डोमेन नेम। तो ये इस तरह का आपको डोमेन नेम मिलेगा। तो फ्री डोमेन नेम में आपको कोई भी बाय नहीं करना होता है डोमेन नेम, इसलिए मैंने ये बताया हूँ। अगर आपको कस्टम डोमेन नेम डालना है, आपका खुद का .com हो गया, फिर .in हो गया, उस डोमेन नेम को डालने के लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन को बाय करना होगा, तो मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। आप इसका फ्री डोमेन नेम यूज कर सकते हो। अगर आपका कुछ अच्छा सेल होता है, अगर आपको एफिलिएट लिंक डालना चाहते हो तो आप उसे भी डाल सकते हो, अगर आपका अच्छा सेल्स होता है तो बाद में आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। तो अभी ये वेबसाइट यहाँ पर प्रोसेसिंग पर चल रहा है और ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा वेबसाइट यहाँ पर से लाइव हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा यहाँ पर वेबसाइट लाइव हो चुका है। जो ये लिंक दिया गया है, अगर मैं उस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो ये न्यू टैब पर रिडायरेक्ट कर देगा और हमारा वेबसाइट यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ से कितना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है वेबसाइट। अगर ये कोई भी यूजर अगर आपके वेबसाइट पर आएगा तो 100% समझ जाएगा कि ये कोई भी वेब डेवलपर होगा जिसने इतना अच्छा वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। और आप भी खुद सीख गए इस टाइप के वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए। तो अगर आप इसका जो नीचे देख सकते हो ये वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन तो बाय करना ही होगा। बट हमें क्या करना है, हमारा वेबसाइट तो यहाँ पर डिजाइन हो गया। अगर आपको कनेक्ट करना है डोमेन को तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन को बाय करना होगा। बस इतना ही काम करना है। अगर आपको इसको एडिट करना चाहते हो तो थ्री लाइन पर क्लिक कर लीजिए यहाँ पर से, और एडिट पर क्लिक करके और पेजेस को ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैंने चलो प्राइसिंग पेजेस मैंने क्रिएट किया है, पहले से ही क्रिएट किया गया है। प्राइसिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वी हैव प्रिपेयर्ड मंथली एंड एनुअल मेंबरशिप फॉर ईच एक्टिविटी टू फिल योर इंडिविजुअल नीड्स। तो चेक नाउ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये सभी प्राइसिंग दिया गया है। तो आप ये प्राइसिंग को चेंज करना चाहते हो तो प्राइसिंग का पेज पर आकर आप ये यहाँ पर से भी जो चेंज करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस पेज पर अगर आप जाते हो तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टेक्ट अस पेज। तो अगर आप इसका अलग से पेज बनवाना चाहते हो तो उसे भी यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर होम पर चले जाते हो और यहाँ पर एड न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से आप कॉन्टेक्ट अस पेज को भी यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ लिखना है कॉन्टेक्ट अस पेज,
कॉन्टैक्ट लिख लीजिए, ओके, तो ऐड पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और जो ऐड करना चाहते हो यहाँ पर, कोई भी ब्लॉक को ऐड करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो। प्लस आइकॉन पर क्लिक करोगे, प्लस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद आपको सभी कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जो कंपोनेंट्स चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, प्राइसिंग हो गया, टीम, टेस्टिमोनियल, क्लाइंट स्टेप, कितने सारे यहाँ पर आपको कैटेगरीज मिल गए, जो कैटेगरीज आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कॉन्टेक्ट का भी यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, तो कॉन्टेक्ट में यहाँ पर कितने सारे कॉन्टेक्ट पेज पहले से ही क्रिएट किए गए, तो उसको मुझे सिर्फ उठा के यहाँ पर डालना होगा। तो मैं प्लस पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट ऐड हो चुका है। अभी ये चीज हो गया, अगर मुझे और ऐड करना है तो प्लस आइकॉन पर मैं क्लिक करूंगा और मुझे प्राइसिंग ऐड करना होगा, टीम हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, जो भी ऐड करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एलिमेंटर यूज करते हैं वर्डप्रेस पर, उसी तरह से यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, वो भी रेडीमेड कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, वो भी फ्री में। आप इसे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, प्रोफेशनली डिजाइन किए गए सभी कंपोनेंट्स हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको शॉप पेज क्रिएट करना है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, आपको यहाँ पर पेजेस पर जाना है, ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है जैसे हमने कॉन्टेक्ट अस पेज पर किया था, और यहाँ पर आपको लिख लेना है शॉप। बस इतना लिखने के बाद ऐड पर क्लिक करें और आपका शॉप पेज क्रिएट हो जाएगा, और आपको कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट्स लेकर आप शॉप पेज को डिजाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं कंपोनेंट्स पर क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक कंपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए पर, और यहाँ पर से आप पोस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, पोस्ट पर चले जाना और या फिर कोई भी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जो ये पोस्ट है उस पर मैं ऐड पर क्लिक कर लेता हूँ, और पोस्ट में जो इमेज दिए गए इसे भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, इमेज आइकॉन पर क्लिक करके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। और जो ये लर्न मोर है वहाँ पर चाहे तो आपका जो अफिलेट लिंक होता है वहाँ पर उसे भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो। उसी तरह और एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करना चाहते हो तो कंपोनेंट्स पर जाकर आप ऐड कर सकते हो। अभी ये था शॉप पेज के बारे में। अगर आप सेटिंग्स पर चले जाते हो तो सेटिंग्स में यहाँ पर आपका जो वेबसाइट का नेम है उसे यहाँ पर आप डाल दीजिए, फिटनेस योगा मैंने डाल दिया, और यहाँ पर आपका जो फेव आइकॉन होता है उसे यहाँ पर आप डाल दीजिए, जनरल सोशल इमेज यहाँ पर ये सब कुछ डाल देना। और उसके बाद डोमेन पर अगर आप जाते हो तो डोमेन पर ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ ओके। उसके बाद आपको डोमेन पर चले जाना है, डोमेन पर आपको फ्री सब डोमेन ही मिलेगा। अगर आप कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हो तो इसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा, मैंने पहले भी बताया था। मार्केटिंग इंटीग्रेशन के लिए आपको अपग्रेड करना होगा, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस, ये सब कुछ आपको डालने के लिए आपको इसका अपग्रेड करना होगा प्लान को। तो आपको गूगल एडसेंस का भी ऑप्शंस मिल जाता है, कितनी अच्छी बात है। अगर आप कुकीज पर चले जाते हो तो आप कुकीज को भी अलाउ कर सकते हो, तो अलाउ कर लीजिए और सेव पर क्लिक कर लीजिए। इतना काम हो जाने के बाद आपका पूरा वेबसाइट का सेटिंग सब कुछ हो जाएगा, और आपको आगे का जो भी करना है एडिट ये सब कुछ वो आप आराम से कर सकते हो। अभी ये चीज भी मैंने बता दिया, अगर आपको यहाँ पर लिंक को ऐड करना है तो ऐड लिंक पर क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ से आप शॉप पेज को ऐड कर सकते हो, और कॉन्टेक्ट अस पेज पर आपका जो कॉन्टेक्ट अस आपने क्रिएट किया है पेज उसका यहाँ पर लिंक दे सकते हो। तो ऐड लिंक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड आपका जो शॉप पेज होगा उसका लिंक आप यहाँ पर शॉप पेज को भी मेन्यूज पर ऐड कर दीजिए। अभी आपको पता चल गया रहेगा कैसे आपको पेजेस को क्रिएट करना है, कैसे वेबसाइट को डिजाइन करना है, और आपको और एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना है वैसे आप कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे और कस्टमाइज कर सकते हो। तो प्राइसिंग की तरफ भी मैं देख लेता हूँ कि इसका प्राइसिंग कितना होगा, कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो क्या नहीं। तो यहाँ पर आप अगर एक बार प्राइसिंग दे भी देते हो तो आप इसका इतने सारे मल्टी यूसेज कर सकते हो, इतना सारा आपको यहाँ पर लोगो मेकर मिल जाता है, क्रिएट कर सकते हो वीडियोस को, ग्राफिक डिजाइनिंग मिल जाते हो, सब कुछ आप इजीली सीख सकते हो। फ्री वर्जन में आपको सिर्फ 300 MB स्टोरेज मिलेगा, बस इतना ही कम मिलने वाला है। अगर आप इसका लाइट वर्जन लेते हो तो ₹499 आपको मिलेगा और 10 GB स्टोरेज आपको मिल जाएगा, और आपको क्या क्या फीचर्स मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ रीड कर सकते हो कि आपको क्या क्या मिलेगा, या फिर आप ये वेबसाइट पर आकर भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस इतना ही मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैंने वेबसाइट तो आपको बता दिया हो कैसे बनाते हैं, एक एक स्टेप बताया हो, कैसे आपको टेक्स्ट को चेंज करना है, कैसे आप लिंक को ऐड कर सकते हो, इमेजेस को कैसे ऐड किया जाता है, तो वो सब कुछ आप बारीकी से कर सकते हो। एक एक चीज आप यहाँ पर ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे ये चीज वर्क करता है। आपको थोड़ा कुछ इसमें मेहनत करना होगा तभी जाकर आप यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा तो ये वीडियो को जरूर से लाइक कर लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करना, ताकि जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।